मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शहर में बदहाल सड़कों से परेशान लोग सड़कों को दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बदहाल सड़कों के मामले में आज तक कोई सुधार नहीं किया गया है। लटेरी शहर के वार्ड नंबर 14 में बदहाल सड़क से परेशान ग्राम गोपी तलाई के वासियों ने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को आवेदन देकर सड़क को दुरुस्त करने की अपील की है। ग्राम वासियों का कहना है कि बदहाल सड़क के कारण निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं कई दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आवेदन में ग्राम वासियों ने कहा कि ग्राम में शमशान घर न होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। सर, ये गोपी तलाई का एक सड़क है जो बदहाल अवस्था में है, उनको समस्या को लेकर कलेक्टर से भी शिकायत की गई है जन सुनवाई में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये गोपी तलाई के संबंध में हमें पूर्ण जानकारी तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं हाल ही में आया हूँ, कुछ दिन पहले। ऐसा जानकारी हमें प्राप्त हुई है उपयंत्री के माध्यम से कि उसका DPR बनाया जा चुका है, शासन को भेजा जाएगा। TS प्राप्त होने के बाद हम टेंडर लगा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में नौ